नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गार्डनर दोस्त ललित। आज हम बात करते हैं, ये जो आपको प्यारा सा पौधा दिख रहा है इसका नाम है हटजोड़। हटजोड़ का मतलब ये है कि आपकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ देता है। कैल्शियम का भंडार है ये। देखिए इस तरह से ये इसके पौधा होता है और इस तरह से इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो बस आप इसको लगा दीजिए और ये फिर अपने आप ही थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए, अपने आप ही फैलता जाएगा। तो इस तरह से पौधा होता है। मैं सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि मेरा जो हाथ है यहाँ से फ्रैक्चर हुआ था इस जगह से। तो मैं हॉस्पिटल जाके केवल इस पर प्लास्टर चढ़वा लिया। उसके बाद में मैंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ली, जस्ट मैंने इसके जो ये स्लाइस हैं, इसके जो ये टुकड़े हैं, ये 9 टुकड़े मैंने 9 दिन तक इसको खा लिए और आज मेरा हाथ पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता दूँ आपको। एक टुकड़ा यहाँ से आपने तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में इसको चाकू से इसको चारों कोनों से इसको छील लें। छीलने के बाद में या तो आप मिक्सी में इसको पीस लें या फिर किसी खरल में आप इसको कूट के इसको पेस्ट बना लें। उसके बाद में हलवा बनाएं, उसमें घी ज़्यादा हो, हलवा बना के उसके साथ ही थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें उसमें, और फिर हलवे को आप खा लीजिए। बस ये काम करना होता है। और अगर हलवा नहीं आपको पसंद तो आप इसके लिए खाली इसको घी में फ्राई कर लीजिए पहले कूट के, और फ्राई करने के बाद में उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और फिर इसे खा लीजिए आप। ये आपके शरीर के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको लगाना भी बेहद आसान है। बस एक बार आप लगा लीजिए इसको, उसके बाद ये अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो देख लीजिए, मेरे पास तो इसमें काफ़ी सारे पौधे हैं, इसमें काफ़ी घास भी उगाई है पर मैंने इसको रिमूव नहीं किया है, पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और ये इसकी जड़ें भी बहुत छोटी छोटी, इतनी सी ज़्यादा ज़्यादा ये साइज़ की 2 इंच तक की इसकी जड़ें जाती हैं। तो अगर आपके पास बड़ा पॉट नहीं है फिर भी आप इनको लगा सकते हैं। ये इस तरह से पौधा होता है, देख रहे हैं आप, ये पौधा है। देखिए मेरे गमले के अंदर ये छोटा सा एक एलोवेरा भी लगा हुआ है और ये बेसिल भी लगी हुई है और ये काफ़ी सारी घास भी है, पर इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी जड़ें सिर्फ 1 या 2 इंच तक ही जाती हैं अंदर, तो इसलिए इसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आप इसको अपने घर में, अपने गमलों में, अपने गार्डन में, अपने लॉन में ज़रूर इनको जगह दें, आप लगाएं इनको। और इसके लिए कोई वैसे कोई विशेष आपको अलग से कोई मिट्टी या फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बस आप किसी भी तरह की मिट्टी में इसको ला के एक दबा दीजिए, इसको लगा दीजिए, उसके बाद ये अपने आप ही चलता रहेगा, अपने आप ही बड़ा होता रहेगा। फिर उसके लिए आपको इसका कोई मेंटेनेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है, आप इसको पानी बराबर देते रहिए। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अगर लाइक कमेंट करते रहेंगे मेरे वीडियो को तो मुझे और भी ज़्यादा हौसला मिलेगा और मैं बहुत ही अच्छे वीडियो आपके लिए और भी बना के अपलोड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।